दिखाओ ना अच्छा लग रहा है है ना हाँ। भैया इनके लिए तो सात इंच वाली दिखा दो ठीक <laughs> है हाँ बेटा बोल हाँ? मैंने टीचिंग एग्जाम क्लियर कर लिया सच भैया हाँ जी फ्लैट सी दिखाइए क्यों, क्यों क्या हुआ बढ़ाने के लिए अब लटकना शुरू करोगी दिन रात <laughs> बेटी ने अड्डा ज्वाइन किया और टीचिंग एग्जाम क्लियर किया और बच्चे जब तरक्की करते हैं ना तो माँ बाप का बैंकिंग टीचिंग एस एस सी जैसे अनेक एग्जाम को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन जॉब है तो रॉब है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा हमारे YouTube पे टुडे इज़ ऑफ ऑफ जून जून आज 11th की न्यूज का न्यूज़ न्यूज़ मोस्ट का डिस्कशन करेंगे बट उससे पहले एमसीक्यूज है कुछ उनका भी डिस्कशन करेंगे हम लोग ओके स्टार्ट करते हैं यहां पर मोटिवेशनल कोर्ट के साथ बड़ी बढ़िया लाइन लिखी हुई स्टडी हार्ड प्ले हार्ड एंड बी स्मार्ट देखो तो कहने का मतलब ये ज़िंदगी में कुछ भी है ना बिना मेहनत के मिलने वाला नहीं है ओके और जितना मिलता है ना कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि लाइक होता नहीं है कि हवा के बहाव में बहुत सारी चीज़ें होती हुई चली जाती हैं तो जीवन में कुछ चीज़ें होती हुई चली जाती हैं वो एक आध दो प्रतिशत लोगों के साथ होता कभी नब्बे पिचानवे अठारवे प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जिनको मेहनत ही करनी पड़ेगी ओके okay? बिन मेहनत कुछ नहीं मिलता ये ये सत्य है मेरे भाई बिन मेहनत कुछ नहीं मिलता अगर आपको जीवन में बस इतना सा चाहिए आप उतनी तो मेहनत करेंगे आपको इतना चाहिए तो उतनी तो मेहनत करेंगे ठीक है इतना भाई जितना मीठा डालो जितना मतलब चीनी डालोगे उतनी तो मिठास होती चली जाएगी कहने का मतलब सीधा सा अर्थ है ठीक है ये शब्द स्टडी हार्ड प्ले हार्ड वर्क हार्ड ये हार्ड वो हार्ड सिर्फ बाकी कहने की बातें ये आपका दिल भी जानता हूँ मेरा दिल भी जानता है और मैं भी जानता हूँ आप भी जानता हूँ बिन मेहनत कुछ नहीं मिलने वाला मेहनत करते रहिए सही दिशा में करते रहिए बहुत ज़रूरी होता है मेरे भाई सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी होता है बहुत लोग दिशाहीन मेहनत करते बहुत टैलेंटेड होते हैं बहुत योग्य होते हैं लेकिन दिशाहीन मेहनत कर रहे होते हैं और दिशाहीन मेहनत उनको दिशाहीन ही बनाती हुई ले जाती क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि वो जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो उस दिशा उसके लिए उनके लिए बनी नहीं है तो जो भी करे थोड़ा शांत मन से थोड़ा दिमाग से ओके थोड़ा ठहराव लाइए सोचिए समझिए और शुरुआत करिए और शुरुआत करने के बाद रिजल्ट पे काम करते रहिए ये नहीं कि बस चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे हैं एनालिसिस भी करते रहिए कहीं ना कहीं मेरे दोस्त खुद को भी देखते रहिए कि आप में क्या ग्रोथ हो रही है आप जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा में और क्या क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं मतलब कुछ ना कुछ आत्ममंथन जरूरी है मेरे भाई ओके मेहनत करते रहिए पॉजिटिव रहिए आगे बढ़ते रहिए बाकी ऐसे एस्पायरेंट जो इंतज़ार कर रहे थे कि डबल वैलिडिटी कब आएगा तो मेरे भाई बैंक महापैक पर एस एस सी महापैक पर अड्डा के महापैक पर बैंक महापैक प्लस पे डबल वैल्डी आ चुका है जिनको भी डबल बेल में इनरोल कराना है या यू कहें किसी भी हमारी कोई भी मेंबरशिप लेनी लाइक बैंक एसएससी या रेलवे स्टेट एग्जाम मेरे भाई आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन पर जा सकते हैं ओके अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन पर जाएंगे कोई भी महापैक चूज़ करेंगे लाइक बैंक महापैक या बैंक महापैक प्लस कोड यूज़ करिएगा वाई वन सिक्स एड हर एक कोड पर आपको सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ओके वाई वन सिक्स एड पर सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट फॉर एक्स्ट्रा वन परसेंट आपको एक परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो एप्लीकेशन से ही मिलेगा और कॉइन सेलेक्ट कर लेना जब आप पे कर रहे हो तब कॉइन सेलेक्ट और कर लेना

RBI has imposed monetary penalty of जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर साढ़े सत्ताईस लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव जीरो का ये बैंक रहा था पंजाब एंड सिंध बैंक आज वन लाइनर चलेगा आपका

इसके कृष्णा श्रीनिवासन कृष्णा श्रीनिवासन मुद्रा कोष के एशिया के निदेशक के किया गया तारा मूर को अभी हाल नियमों के तहत प्रतिबंधित पदार्थों के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया शी इज अ फ्रॉम विच कंट्री वह किस देश से है यह आपके ब्रिटेन से ओके कहा से बेटा ब्रिटेन से है नेक्स्ट अवनी लेखारा ने अभी पैराशूटिंग जो वर्ल्ड कप रहा उसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है और यह स्वर्ण पदक रहा था कहां पर फ्रांस के चैटा रॉक्स रॉक्स में okay? चेटो में में ओके चैटो असल कहा वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टेन मीटर जो राइफल इवेंट रहा उसमें टू फिफ्टी पॉइंट सिक्स स्कोर के साथ इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया सवाल यह कि शी इज फ्रॉम विच स्टेट अवनी लेखारा किस राज्य से है अवनी लेखारा इज फ्रॉम विच स्टेट मेरे भाई अवनी लेखारा किस राज्य से है बताए मेरे भाई अब नहीं लिखा राइज फ्रॉम विच स्टेट वेल डन मेरे तो, दोस्त राजस्थान से शी इज फ्रॉम राजस्थान ये गलत लिखा हुआ है भाई ऑप्शन नंबर यहाँ सही कर लीजिए से शी इज फ्रॉम राजस्थान ओके ये चार होगा ठीक है पीडीएफ में चेंज कर दूंगा इसका सही चल रहा ब्रिटेन है यहाँ पर सही है बड़ा कृष्णा श्रीनिवासन यहाँ पर असम अपना सही था यहाँ पंजाब सिंध बैंक यहाँ तक तो करेक्ट है अगला सवाल देखिएगा हु बिकम फर्स्ट इंडियन टू रिकॉग्नाइज बाई यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट एज अ ग्लोबल एस डी जी पाइनियर कौन संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा ग्लोबल एस डी जी पाइनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रामकृष्ण रामकृष्णी ओके रामकृष्ण मुक्काविल्ली ये नाम जरूर याद रखना रामकृष्ण मुक्काविली फर्स्ट इंडियन है जिनको यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा ग्लोबल एस डी जी पाइनियर रिकॉग्नाइज किया गया है अगला सवाल इंडियन स्टार क्रिकेटर जो विराट कोहली हैं, उन्होंने 200 मिलियन जो फॉलोअर का मार्कर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम साइट पर उसे पूरा कर लिया इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर वाले तीसरे स्पोर्ट्स पर्सन बन गए ओके इंडिया में तो भैया टॉप पर आ गए सवाल यह है कि 451 मिलियन फॉलोअर के साथ टॉप पर कौन है लियोनल मैसी थ्री मिलियन फॉलोअर के साथ सॉरी 445, 451 मिलियन फॉलोअर के साथ सवाल पर कौन है दूसरे नंबर पर लियोनल मैसी 334 मिलियन फॉलोअर के साथ तीसरे नंबर पर है दूसरे नंबर पर पहले पे सवाल मेरा है कौन रहे हैं दूसरे पे लियोनल मैसी रहे और तीसरे पे मेरे भाई विराट कोहली ठीक है फिर दोबारा सुन लीजिए पहले पे मेरा सवाल है कौन रहे हैं 451 मिलियन फॉलोअर के साथ दूसरे नंबर पे 334 मिलियन फॉलोअर के साथ लियोनेल मैसी हैं और तीसरे नंबर पे विराट कोहली 200 से ज्यादा तो यहाँ आंसर है भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओके okay? क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगला सवाल हु लॉन्च एसबीएम साथी उस सब इनिशिएटिव किसने एसबीएम साथी इनिशिएटिव पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को डिजिटल माध्यमों को अपनाने में मदद करना है आंसर बनेगा भाई ओके WhatsApp, okay? WhatsApp ने अभी हाल फिलहाल साथी उत्सव शुरू किया है। बैंगलोर ये बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था इंडिया में अबे अभी जो क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी उसमें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आई एस बैगलोर ये टॉप इंस्टीट्यूट रहा है इंडिया में फाइन ग्लोबली इसकी जो रैंक थी वन फिफ्टी फिफ्थ रही थी एक सौ पचपन नंबर पर रहा मेरा सवाल है कि विच इज वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी भारत मतलब विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है तो एम पहले पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज दूसरे पे है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे पे है तो टॉप थ्री यूनिवर्सिटी आप याद रखेंगे ओके पहली एम दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज तीसरी मेरे भाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ओके अगला हु हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो रूपी इंडेक्स सी आर ई एट भारत का पहला क्रिप्टो रुपया सूचकांक सी आर ई एट किसने लॉन्च किया है बताइए मेरे भाई कल आपको वीकली एमसीक्यू मिल जाएगा ठीक है सीआरई एट किसके द्वारा लॉन्च किया गया अभी हम लोगों ने एम आई टी टॉप पर था ये सारे सवाल भाई एग्जाम ओरिएंटेड है ओके आपको सब एग्जाम में देखने को मिलेंगे आंसर है कॉइन स्विच ओके कॉइन स्विच के द्वारा ये फर्स्ट क्रिप्टो रूपी इंडेक्स इंडिया का इसे लॉन्च किया गया था किसके द्वारा कॉइन स्विच के द्वारा फाइन अब बढ़ते हैं आज की पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ ध्यान से सुनिएगा एक नोडल एजेंसी है जिसका नाम है इन स्पेस ओके और इन स्पेस का हेडक्वार लॉन्च हेड क्वार्टर इन किया गया है किया गया है और वो गुजरात के अहमदाबाद से इनोग्रेट किया गया कहने का मतलब यह गुजरात के अहमदाबाद में जो भोपाल एक जगह वहां पर इसे इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनगरेटेड दी हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथोराइजेशन सेंटर इन स्पेस की फुल फॉर्म भी याद रखनी है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथोराइजेशन सेंटर इन स्पेस इसका माननी नरेंद्र जी के कहां पर किया गया है गुजरात अहमदाबाद भोपाल असल में यूनियन कैबिनेट ने 2020 में, जून 2020 में से अप्रूव कर दिया था ये एक नोडल एजेंसी होगी जो कि स्पेस एक्टिविटीज होंगी उन सबको अलाउड करने का काम इसी का रहेगा अप्रूव करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस

हिमाचल प्रदेश पहला इंडियन स्टेट है जिसने की पॉलिसी ड्रोन के लिए अप्रूव करी है क्या इससे पहले ड्रोन उड़ नहीं रहे थे क्या राज्यों में जो ये पहला स्टेट है इसका लॉजिक क्या है इसका मतलब क्या है ठीक है इस लाइन से तो पूरा अर्थ क्लियर नहीं हो रहा बस इतना समझ में आ रहा है कि हाँ हिमाचल प्रदेश पहला इंडियन स्टेट है जिसने कि एक पॉलिसी अप्रूव की विच इज अ ड्रोन पॉलिसी ओके ड्रोन पॉलिसी असल में हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट है जिसने कि फॉर्मली ये कह दिया है कि ड्रोन का पब्लिक यूज हो सकता है ओके तो हिमाचल प्रदेश ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेट जिसने कि फॉर्मली एक्नोलिज कर लिया है ब्लिक यूज ऑफ अ ड्रोन इट इज हिमाचल प्रदेश ओके हिमाचल प्रदेश आई होप यर गाइज क्लियर होगा ठीक है इंडिया की ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं कल ही मैंने आपको फिच रेटिंग का पढ़ाया था जब मैंने टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि फिच ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.5 परसेंट प्रोजेक्ट कर रखी है इसने भी घटा दिया इसका क्या कहना है फिच रेटिंग एजेंसी का कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है करंट फाइनेंशियल ईयर यानी बाईस से तेईस में बजाय वो एट के वो सेवन रहेगी बजाय एट के वो सेवन रहेगी ओके तो फिच रेटिंग हैज डिक्रीज इट्स जी ग्रोथ प्रोडक्शन दो हजार बाईस तेईस फ्रॉम एट पॉइंट परसेंट टू सेवन पॉइंट एट परसेंट अब देखो यार ये सारी है। कल भी मैंने जिक्र किया था आज फिर दोबारा इसको सुन लेते हैं एसबीआई की जो रिपोर्ट रही थी रिपोर्ट उसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट सेवन पॉइंट फाइव परसेंट एज पर आरबीआई सेवन पॉइंट टू परसेंट एज पर वर्ल्ड बैंक सेवन पॉइंट फाइव ए 7.5 तो वर्ल्ड बैंक ए दोनों सेम ग्रोथ प्रोजेक्ट करें आई एम एफ एट है फिच 7.8 है एस 7.3 है मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने कैलेंडर ईयर के लिए बताया वो है 8.8 पॉइंट परसेंट ओ ने कल ही पढ़ी है तो हम लोग ये 6.9 परसेंट है एनएसओ ने जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसकी बताई है कि एक्चुअली कैलकुलेट करी है कि इक्कीस कि बाईस में इंडिया की जी ग्रोथ रेट एट रही और जो लास्ट क्वार्टर है उसमें फोर रही थी ठीक है फोर पॉइंट वन परसेंट क्लियर है भाई भाई सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्त एक काम करेगा का लाइक कर दीजिएगा ठीक है फाइन आरबीआई भी घटा दिया है कौन, कौन ने पढ़ा है भाई आरबीआई घटा दिया है आरबीआई ने घटाया नहीं आरबीआई ने रिटेन किया है आरबीआई ने पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में भी 7.2 परसेंट कहा था इस मॉनेटरी पॉलिसी में भी 7.2 परसेंट ही कहा है ठीक है भाई चलो आगे बढ़ते हैं असल में क्या है कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसके मेंबर्स हैं उन्होंने वोट दिया है कि जो ये पेट्रोल और डीजल कार होंगी इनको हम दो हजार तक बिल्कुल प्रतिबंधित कर देंगे ठीक है तो हिंदी गड़बड़ है हिंदी को मत पढ़िए ठीक है कॉपी हो गया सेम कॉन्टेंट फिच वाला आप सिर्फ इतना याद रखिए कि यूरोपियन पार्लियामेंट हैव वोटेड टू है सेल ऑफ न्यू पेट्रोल और डीजल कार बाय 2035 ईयर इंपॉर्टेंट है 2035 तक ओके दो हजार तक बैन करने की बात इन्होंने कर दी है नेक्स्ट देखना ए आर रहमान को इंडिया यूके जो कल्चर प्लेटफॉर्म है उसका एम्बेसडर बनाया गया अभी यार ये जितने भी ब्रांड एम्बेसडर एम्बेसडर बनाए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट बनते हैं ओके तो इनको स्किप नहीं करेंगे तो ए आर रहमान को इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का भारत ब्रिडेन संस्कृति मंच का राजदूत नियुक्त किया गया है असल में ये जो म्यूजिक मास्टरों हैं ए आर रहमान साहब इनको सीजन ऑफ कल्चर जो कि भारत की आज़ादी के पिचहत्तर वर्ष सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी को मार्क कर रहा है सेलिब्रेट कर रहा है ये सीजन ऑफ कल्चर इसके ब्रांड एम्बेस्डर बनाए गए हैं ओके सीजन ऑफ कल्चर का उद्देश्य इंडिया यूके जो कोलैबोरेशन है उसे और मजबूत करना है हर क्षेत्र में चाहे एजुकेशन हो आर्ट्स हो इंग्लिश का क्षेत्र हो हर एक क्षेत्र में इंडिया यूके के को मजबूत करने के लिए इससे सीजन ऑफ कल्चर के ब्रांड एम्बासडर बनाए गए ए रहमान ओके ए रहमान डन मेरे भाई चलो जो विद्या बालन है देखो कुछ रिसेंट के एम्बेसडर है इनको प्लीज़ पढ़ लीजिए विद्या बालन है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत को डी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मनिका बत्रा एडिडास की हैं तनिषा कोटिया रदिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की है। लेकिन ये सिर्फ गुरुग्राम के लिए ओके हरियाणा के गुरुग्राम के लिए पंकज त्रिपाठी साहब कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर हैं मनोज तिवारी खादियन अदर हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान एक गे, गेमिंग एप्लीकेशन है ए ट्वेंटी थ्री उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अक्षय कुमार एम्बेसडर ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड बनाए गए हैं ओके okay, उत्तराखंड के पंत भी हैं अमिताभ बच्चन को मैडबडी का 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 इसी में लिख देना मेरे भाई अपग्रेड के भी ब्रांड एम्बेडर अमिताभ बच्चन दिशा पटानी बाटा इंडिया की दीपिका पादुकोन लुइस विटन आलिया भट्ट ब्लैंडर स्प्राइड प्रजक्ता कोहली यूएनडीपी इंडिया की फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैंपियन है रमी सर्कल ऋतिक रोशन इज इ विजय राज और वरुण शर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा वर्मा लीजेंड लीग क्रिकेट जूलन गोस्वामी डिजनी बाइजू अर्ली लर्निंग एप्लीकेशन पीवी सिंधु नीरज चोपड़ा ओके नेक्स्ट यार मेरे दोस्तों ये एक दो तीन चार इन, ती, स्क्रीन शॉट ले लेना इन सभी के ओके एनजे ओझा को ओमबैन मतलब क्या होता है ओमबैन मतलब होता है बेटा लोकपाल लोकपाल यानी कि कोई भी समस्या का निवारण करने वाला एक मंच ओके अब यहां पर मनरेगा योजना के लिए उमर्ट्समैन बनाया गया है तो ये कौन बने ओझा एन जे ओझा तो एन जे अपॉइंटेड एज दी उम्बर्ट्समैन फॉर टू ईयर टर्म अंडर दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलो ये तो तुम्हारे समझ में आ गया कि मनरेगा के तहत जो एम्बेसडर बनाएगा इनका नाम एनजे ओझा है बजट दो हजार की बात कर लेते हैं इसके ब्रांड एम्बेड कौन बनाए गए सॉरी बजट दो हजार में मनरेगा के लिए कितना अमाउंट दिया गया मनरेगा के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट परियोजना के लिए बजट में दो हजार बाईस तेईस में कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है देखो तो जिन्होंने भी बजट नहीं पढ़ा है उनसे मेरी गुजारिश रहेगी मेरे भाई बजट 2022 जाकर पढ़ लीजिएगा आपको यूट्यूब पर सर्च करना बजट दो हजार बाईस तेईस भाई आशीष गौतम टॉप पर आपको मिल जाएगा बेटा चार लाख से ज़्यादा बच्चे उस सेशन को देख चुके हैं उसको मैंने दो पार्ट में डिस्कस किया पार्ट ए और पार्ट बी वो करिएगा प्लस उसके बाद मैंने उसके एमसीक्यू की क्लासेस नहीं उनको कवर कर लेना सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी ओके चलिए आराम से ढूंढ के आंसर करिएगा इसका दूसरा प्रसार भारती के सीईओ बदल गए असल में प्रसार भारती के जो सीईओ थे वो थेखर वेम्पति कुमार अग्रवाल तो मयंक कुमार अग्रवाल असल में ये डायरेक्टर जनरल हैं दूरदर्शन के और दूरदर्शन न्यूज के इनको एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई प्रसार भारती के सीईओ की प्रसार भारती के सीईओ की ओके सर देखे तो भूल गए एग्जाम में मत करना है सर देखे तो भूल गए क्योंकि वहां पर अगर मेरे भाई ऐसा ऑप्शन आ गया इकहत्तर हजार बहत्तर हजार तिहत्तर हजार चौहत्तर हजार पिछहत्तर हजार तब फिर याद भी होगा तब भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है नेक्स्ट एम के स्टॉलिन सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बनता चेन्नई हो होस्ट करने जा रहा है मेरे भाई। और इसका एम के स्टोलिन साहब ने लोगो और मैस्कॉट लॉन्च कर दिया है इसका जो बेटा मैस्कॉट है वो थाम्बी है ओके ये जो दिख रहा है ना तुम्हें थाम्बी इसका मैस्कॉट है तो इसको याद रखना ठीक है भाई एक बार पढ़ लेते हैं इसको यहाँ पर हम लोग एम तो के स्टॉलिन चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु अनवील्ड लोगो एंड मैस्कट फॉर चेस ओलंपियाड विल टेक प्लेस इन तो एम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टोलिन ने चौवालीसवें शतरंज ओलंपियाड के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किया जो मल्लापुरम में होगा ठीक है एम के भाई साहब आगे खिसक गए यहां से इनको काट दो यहाँ ठीक है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टोलिन फाइन ये थाम्बी हो गया यहां पर थाम्बी का मतलब होता है तमिल में यंगर ब्रदर ठीक है क्या मतलब होता है बेटा यंगर ब्रदर ठीक है भाई डन अब और भी बहुत सारे मैस्कॉट हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं लाइक like मेरे दोस्त दो हजार बाईस के विंटर ओलंपिक का मैस्कॉट रहा था बिंग डोन डोन बाईस के विंटर पैरालंपिक का मैस्कॉट रहा था सुए रियोन रियोन का एशियन जो एशियन पैरा गेम्स है उसका मैस्कॉट रहा था फीफी ओके फीफी ओके okay? ये अभी हुए नहीं है ये दोनों इवेंट हो चुके हैं

भाई साहब इतना क्लियर है सभी के ये जितने भी मैस्कॉट हैं सारे मैंने लिख दिए हैं प्लस वेन्यू भी लिख दिया है कुछ में मैंने एडिशन भी मार्क कर दिए हैं ये इसका ये ये एडिशन है ये इसका ये एडिशन है ठीक है मैस्कॉट पूछे जाते हैं अक्सर हम लोगों के जगह पे ए, एक एक जगह डेटा नहीं मिलता है ये यहाँ पर मैं आपको पूरा डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ ठीक है डन मेरे भाई चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला देखते हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने जो भी फार्मर्स हैं उनको फार्मिंग मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए एक यहाँ पर स्कीम लॉन्च कर दी जिसका नाम है वाई एस आर यंत्र सेवा स्कीम तो आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी लॉन्च वाई एस आर यंत्र सेवा स्कीम टू तो ओवरकम शॉर्टेज ऑफ फार्मिंग मशीनरी टू द फार्मर्स तो फार्मर्स को फार्मिंग मशीनरी की जो शॉर्टेज है उसकी पूर्ति करने के लिए ओके यहाँ पर एक योजना लॉन्च करी देखो जब भी राज्य सरकार योजना लॉन्च करती है राज्य सरकार की योजना उसका नाम केंद्र सरकार कर रही है तो उसका पर्पज़ हमें सिंपल शब्दों में राज्य सरकार कर रही है योजना उसका पर्पज़ केंद्र सरकार कर रही है मेरे भाई उसका पर्पज क्या मतलब उसका पोस्टमार्टम कर लो कहाँ से लॉन्च की किसने लॉन्च की उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है मतलब बहुत सारे फैक्ट बजट रिलेटेड भी याद रखेंगे ठीक है भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एस बी आई फाउंडेशन ने अभी एक यू अप स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया अभी एस बी आई फाउंडेशन क्या है हर एक संस्था सी एस आर में काम करती है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में ओके तो ये सी एस आर आर्म है एस बी आई की एस बी आई की सी एस आर आर्म इसका नाम है एस बी आई फाउंडेशन इसने बेटा क्या किया है अप स्कूल लॉन्च किया है अप स्कूल क्या है एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है स्टूडेंट के लिए क्लास एक से लेकर दसवीं तक के लिए तो असल में एस बी आई फाउंडेशन खान अकेडमी के साथ मिलकर एक एजुकेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ मिलकर एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया स्टूडेंट्स के लिए ओके किसने किया एस बी आई फाउंडेशन खान अकेडमी ओके okay भाई आज हो रहा पढ़ाना टफ ये स्टूडियो में नहीं चल रहा एसी और ऐसी स्थिति हो रही है कि क्लास अब जल्दी से ओवर हो दो न्यूज हो रहा है पहले ये कर लेते हैं ठीक है

367 बिलियन यूएस डॉलर चाइना को 181 बिलियन यूएस डॉलर दूसरे पे तीसरे पे हॉन्गकॉन्ग को वन फोर्टी बिलियन यूएस डॉलर सिंगापुर को 99 बिलियन यूएस डॉलर कनाडा को 60 बिलियन ब्राज़ील को 50 और इंडिया को 45 बिलियन यूएस डॉलर इसलिए बेटा इंडिया एक स्थान खिसक कर पहले आठ था तक पैदा अब बेटा यहाँ पर सातवें पे भारत आ गया उसके बाद साउथ अफ्रीका रशिया और मैक्सिको यहाँ पर बने हुए हैं ठीक है बेटे भाई इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर अभी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता अंकटाट जारी करता है एफ डी आई इनफ्लो इंडिया में घट के पैंतालीस बिलियन यूएस डॉलर पर आ गया दो हजार इक्कीस में सिक्सटी फोर बिलियन यूएस डॉलर से यही था सिक्सटी फोर से घटके फोर्टी फाइव आ गया जब सिक्सटी फोर था लास्ट ईयर तब भारत आठवें नंबर पर था इसके अलावा मेरे भाई जबकि यूनाइटेड स्टेट टॉप पर बना हुआ है चाइना दूसरे पे हॉन्गकॉन्ग तीसरे नंबर पे है अमंग अमंग टॉप टेन होस्ट कंट्रीज ओनली ओनली इंडिया है जिसको डिक्लाइन देखने को मिला है बाकी सब ने ग्रोथ ही करी है भाई ठीक है बस इंडिया है देखो इंडिया में बाकी सब में देखो तेईस साठ अट्ठाईस पचास ठीक है पचहत्तर निन्यानवे एक सौ पैतीस एक सौ इकतालीस सब में ग्रोथ ही रही है एफडीआई रिसीपेंड में बस इंडिया है जो लास्ट ईयर सिक्सटी फोर बिलियन था इस साल यहां पर फोर्टी फाइव बिलियन रहा है ओके समझ में आ गया और आउटबुट एफडीआई के मतलब भारत से एफडीआई जो विदेशी यहां पर काम कर रहे हैं मतलब ये सिंपल शब्दों में यहाँ पर बोले कि भारत से जो दो तरीके की एफ डी आई एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड जो भारत में आया इन्वेस्टमेंट दिस इज इनवर्ड ओके और जो भारत से इन्वेस्टमेंट गया वो एफ गई तो आउटवर्ड कितना रहा था यहां पर 43 वृद्धि हुई है बिलियन रहा है थ्रीस में फाइन ये डेटा आई होप क्लियर होगा इंडिया स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है उसको होस्ट करेगा तो एस ए आई एफ एम एम यानी कि स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इसको अपना प्यारा भारत होस्ट करने जा रहा है ओके इंडिया होस्ट करेगा मेरे भाई तीस साल इंडिया आसियन जो डायलॉग रिलेशन रहे हैं उसके एनिवर्सरी को मनाया जाएगा ओके टेंथ एनिवर्सरी रहेगी स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप रही है भारत की आसियान के साथ तो इंडिया आसियान डायलॉग रिलेशन की तीसवीं एनिवर्सरी ठीक है जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है आसियान की उसकी दसवीं एनिवर्सरी को कॉमोमोरेट किया जा रहा है इस स्पेशल आसियन इंडिया फॉरन मिनिस्टर मीटिंग के माध्यम से जो अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ओके एस जयशंकर साहब सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो और जो इंडिया के हैं मेरे भाई ये दोनों मिलकर इसकी को चेयर करेंगे इसकी अध्यक्षता करेंगे ओके ए आई एफ एम विल बी अ इसके साथ साथ ट्वेल्थ एडिशन रहेगा डेली डायलॉग का डेली डायलॉग का ट्वेल्थ एडिशन भी आयोजित तो किया जाएगा

सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज दसवा गोल क्या था रिड्यूज़ इन ये गोल पढ़ते चलिए ठीक है थीके? एक एक करके इंपॉर्टेंट बनते सारे के सारे गोल यार सेशन मैंने छोटा रखा आज मैंने रीडिंग ज़्यादा करी है मैंने कोई चीज लिंक वगैरह नहीं करी है आई एम नॉट फीलिंग वेल ओके इसलिए शॉर्ट सेशन ही रख रहा हूँ बाकी ऐसे एस्पायरेंट जिनको कि बैंक महापैक एस एस सी अड्डा के वहाँ में इनरोल कराना है डबल वेल्टी में आज मेरे दोस्त लास्ट डेट है इसमें इनरोल करा लीजिएगा बारह बजे तक ओके बैंक महापैक उन सभी के लिए जो बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी करे जो एस एस सी की तैयारी करे उनके लिए एसएससी एस सी महापैक है जो दोनों की तैयारी करे बैंक और एसएससी को उनके लिए अड्डा का महापैक है ओके बैंक महापैक प्लस उनके लिए है जो दोस्त पांच एडिशनल एग्जाम बता रहा हूं उनकी तैयारी करे रेगुलेटरी बॉडी वाले सेबी नाबार्ड सिडबी से आरबीआई ग्रेड बी एसओ एग्जाम तब आप बैंक महापैक प्लस लीजिएगा अदरवाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है कोड याद करना वाई वन सिक्स एट ओके इस कोड पे आपको सेवेंटी एट परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ये मेरा वॉरियर प्रो बैच है इसकी क्लासेस भी इसमें है आरआरबी की बैच की भी रैंकर्स बैच एडवांस बैंक पीओ बैच सारे बैचेस आपको इसमें मिलेंगे ठीक है भाई क्लियर है चलो बाय बाय टेक केयर राधे राधे दोस्तों